नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम चित्रकूट में राम घाट पे हैं। सामने आप मंदाकिनी नदी के दर्शन कर रहे हैं। इसको मंदाकिनी गंगा कह के भी बुलाया जाता है। इतनी सारी बोट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर यात्री लोग आते हैं और यहाँ पर घूमते हैं। और शाम के समय जब आरती होती है तो उस समय, क्योंकि सूरज थोड़ा नीचे आ चुका होता है, तो लोग बोट में सफ़र करते हैं और बोट में बैठकर आरती का आनंद उठाते हैं। अर्ली मॉर्निंग या ड्यूरिंग द डे आप कभी भी यहाँ पर बोट राइड कर सकते हैं। कल जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो आते समय अंधेरा हो गया था, इसलिए कल हमने आरती यहाँ पर मिस कर दी थी। आज शाम को वापस हम यहाँ पर आएंगे और आरती देखेंगे। श्री महाराजाधिराज मत्य गजेंद्र शिव मंदिर राम घाट, ऐसा कहते हैं। जब भगवान श्री राम चित्रकूट वनवास के समय आए थे तब वो स्थान पे आए थे और यहाँ पर उन्होंने अनुमति लेकर अपना वन में रहने का समय व्यतीत किया था। पंडित जी, स्थान के महत्व के बारे में हमें आप जानकारी दे देंगे? जी जरूर। श्री सीताराम, जैसे कि आप देख रहे हैं शिव जी, सृष्टि आरंभ उपरांत स्वर्ग से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर 108 कुंडी यज्ञ तैयार करते हैं और उसमें 108 बार यज्ञ करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। तब इनका नाम ब्रह्मा जी रखते हैं, मत्य गजेंद्रनाथ। अच्छा। और इनसे यहाँ सशरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से राज्य करने की विनती करते हैं। श्री मत्य गजेंद्रनाथ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भोलेनाथ जी प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति एक विशालकाय मतवाले ऐरावत हाथी के समान था और इनसे यहाँ सशरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से राज्य करने के लिए कहा गया। भोलेनाथ जी यह निवेदन खूब अच्छे से स्वीकार करते हैं और यहाँ सशरीर रूप में राजा बनकर राज्य करते हैं। राज्य करते करते इन्हें समय बीतता है और समय के साथ साथ युग बीतता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी वनवास करते हुए यहीं आते हैं और आपसे यहाँ ठहरने की अनुमति लेते हैं। अनुमति लेकर यहाँ चित्रकूट में 11:30 वर्ष तक वास करते हैं। जब 11:30 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो यहाँ से जब प्रस्थान करने लगे तो प्रस्थान करने से पूर्व आपकी स्थापना अपने हाथों से करते हैं। उस वक्त यहाँ बहुत सारे ऋषिगण भी थे प्रभु के साथ, तो आपकी स्थापना स्वयं महासती मानसूया के पति अत्रिषि जी करते हैं और आपकी स्थापना उसी वक्त अगस्त्यषि जी करते हैं। और ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक रूप हैं। जो भी भक्तगण यहाँ आकर के सच्चे मन से, करुण भाव से अपनी प्रार्थना यहाँ रखते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा दिव्य दरबार है। प्रेम से बोलिए, बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। अति सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र करके इस समय हम कामतगिरी पहाड़ के पास आए हैं। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, इसको कामतगिरी पहाड़ बोलते हैं। ऐसा कहते हैं, जब भगवान श्री राम चित्रकूट में भगवान शंकर से आज्ञा लेने आए थे कि हम यहाँ पर आके निवास करें, चित्रकूट को अपना स्थान बनाएं, तो उसके बाद भगवान शंकर के आदेश पे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना अधिकतर समय कामतगिरी पहाड़ पर बिताया। आइए सीधे टेम्पल की ओर चलते हैं। बहुत यात्री क्या करते हैं, सुबह के समय या शाम के समय, अगर गर्मी होती है तो सुबह और शाम, अदरवाइज अच्छा मौसम होता है तो पूरा दिन पूरी रात परिक्रमा करते हैं, जो 5 किलोमीटर की होती है। परिक्रमा की शुरुआत इसी स्थान से होती है, तो ऐसे यहाँ से जाते हैं और पर्वत की परिक्रमा करके लौट कर वापस इसी जगह आते हैं। मंदिर में आकर हमने कामतानाथ भगवान के दर्शन करें। इस समय हमारे साथ पंडित जी हैं। इस स्थान के महत्व के बारे में आप हमें जानकारी दे दीजिए।
जब भगवान राम वनवास काल में आए हैं, 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष इसी जगह रह के, 11.5 वर्ष हाँ इसी जगह रह के कामतगिरि पर्वत की पूजा और परिक्रमा करते थे। और जब यहाँ से जाने लगे तो कामतगिरि पर्वत बोले कि स्वामी अब तो आप चले जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। बोले नहीं, जो कोई जिस भावना श्रद्धा से आता है उसकी मन की कामना को पूरी करना, मैं अपना स्वरूप दे के जा रहा हूँ। तो चौपाई बनी है कामतगिरि भय राम प्रसादा और लोकत अपहरत विषादा, चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटई युग चार के देख कामता नैन। जो कोई चित्रकूट आता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये हमारा कामतानाथ जी का पर्वत सोने सोने का है, हीरे हीरे का है, मोती मोती का है, यहाँ का कंकड़ ही सब चीज़ है। और जो जिस यहाँ चित्रकूट की हमारे कामतानाथ परिक्रमा की है, पूरे चित्रकूट की धूल जिसके ऊपर पड़ जाए उसके सारे पाप और सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो यात्री यहाँ से परिक्रमा करते हैं, इधर से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं 5 किलोमीटर की, उनको कितने मुखारबिंद के दर्शन होते हैं? जैसे एक तो ये है, 3 मुखारबिंद के दर्शन होंगे, एक आलोक है। अच्छा हाँ। इसी परिक्रमा रास्ते पे हाँ। आपका धन्यवाद, आपको जय श्री राम। जय श्री राम। तर खा के हम यहाँ से निकल रहे हैं हनुमान धारा जाने के लिए। हनुमान धारा हम गाड़ी पे जा सकते हैं, 3 किलोमीटर का सफर है। परिक्रमा मार्ग मैंने आपको बताया कि यहीं से चलता है, तो अगर हम यहाँ से परिक्रमा करते करते जाएंगे तो हम लक्ष्मण पहाड़ी पहुँच जाएंगे और हम भरत मिलाप जहाँ पर हुआ था भगवान श्री राम से, मतलब भरत जी का भगवान श्री राम से जहाँ मिलाप हुआ था, वो स्थान भी परिक्रमा मार्ग में ही है। साथ में बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ ये है कि अगर आप रात के समय परिक्रमा करते हैं 10 बजे या 11 बजे तो मंदिर आपको क्लोज मिलेंगे। तो आइडियल तो ये है कि सुबह 5 बजे परिक्रमा आप स्टार्ट करिए, 1.5 घंटे से 1.25 घंटे का टाइम समय लगेगा और आप 5 किलोमीटर की बढ़िया से परिक्रमा कर लेंगे। ये मेरी सजेशन है। मैं कोशिश करूंगा सेकेंड हाफ ऑफ द डे 4-4:30 बजे अगर मैंने मेन टेम्पल विजिट कर लिया और समय बचा तो मैं परिक्रमा मार्ग आपको पूरा दिखाऊंगा। चलो गाड़ी हमारी पास ही खड़ी है, गाड़ी तक चलते हैं। हनुमान धारा जाने के लिए रोपवे पे जाना होता है। सामने टिकट काउंटर से हमने ना टिकट निकाल ली है, 145 रुपये की एक आदमी की टिकट होती है। जब रोपवे नहीं थी तो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाया करते थे। बिल्डिंग के पीछे हनुमान धारा है तो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, वहाँ जाके आपको मैं बताता हूँ। तो लगभग 550 सीढ़ियाँ, तो 1 घंटे से 1.25 घंटे का टाइम लगता है अगर आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना हो तो। आइए चलते हैं। नीचे से हनुमान धारा तक जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो रोपवे से, धीरे धीरे रोपवे चल रही है। दूसरा मैंने आपको सीढ़ियों वाला रास्ता बताया, नीचे सीढ़ियाँ दिख रही हैं। अगर कोई गाड़ी से जाना चाहे तो गाड़ी से जा सकता है, वो 10 किलोमीटर का रास्ता है। उतना ज़्यादा पक्का रोड नहीं है, थोड़ा बीच में कच्चा कच्चा जाए तो बोलेरो जैसा गाड़ी रहेगा तो ईजी है। सामने हाईवे दिख रहा है ना, हाईवे से पहले जो रोड दिख रही है वो पहाड़ के आपको ऊपर तक ले जाएगी। रोपवे से उतरकर हम हनुमान धारा मंदिर के पास तक आ गए हैं, तो ऊपर चलकर दर्शन करते हैं फिर पुजारी जी से इस स्थान की स्थान के महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे, कोई हृदय में ज्वाला रहती थी, उसी शांति के लिए राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को शंकरसन के नाम के पर्वत पर स्थान दिया। उसी समय अपना बाण मार करके सरस्वती नाम की गंगा मैया प्रवाहित किया। गंगा मैया का ऊपर से नहीं पता कहां से आती है, स्थान के बाद कहां जाकर के समाप्त हो जाती है। स्थान धारा के पश्चात भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, भक्त हनुमान तुम कलयुग में पूजनीय होंगे, आप लोग हनुमान जी महाराज से मनोरथ करें। हनुमान जी महाराज अन्न धन दूध पूज शक्ति भक्ति बल बुद्धि के देने वाले, अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, इनको माता जानकी जी का आशीर्वाद।
ये नियम, ये महात्म्य, ये हनुमान धारा की जगह। बोलिए हनुमान धारा महाराज की। धन्यवाद पंडित जी। फिर बुलाया दर्शन देना कल्याण करना। हनुमान धारा यात्रा पूरा करना। कुछ देर पहले हमें पंडित जी ने बताया सरस्वती गंगा का जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर हमने कुछ और लोगों से बात करी अभी पिछले 15-20 मिनट में, तो उन्होंने बताया कि पानी कहाँ से आ रहा है वो भी नहीं पता, और आगे चलकर पानी कहाँ जा रहा है वो भी नहीं पता। पानी कंटिन्यूसली पूरे साल आता है, तो यहाँ पर सरस्वती गंगा का पानी इकट्ठा होता है और यही पॉइंट है जहाँ पर आपको ये सरस्वती गंगा पानी देखने को मिलेगा। नीचे चल के कहीं पर कहाँ मिलता है उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, उस तरफ चल के ना आपको नीचे का एरियल व्यू दिखा देते हैं और खुद भी देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे। वाह, सही लग रहा है। ये देखो जी, हम सामने उस रोड से आए थे, गाड़ी हमारी वो शेड लगे हैं वहाँ पर खड़ी हुई, सामने ट्रॉली ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर हम सीता माता की रसोई तक चलेंगे, फिर नीचे आएंगे और यहाँ से ट्रॉली लेकर जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ तक चलेंगे। ये हमारा अगले 15-20 मिनट का प्लान है। तो यहाँ से ऊपर हम सीता माता रसोई तक जाएंगे। कुछ देर पहले ना गर्मी लग रही थी, तब हवा नहीं चल रही थी, अब हम जैसे हाइट ले रहे हैं ना, हवा यहाँ तेज़ चल रही है ना, तो गर्मी तो गायब हो गई है। अच्छा लग रहा है, नाइस। जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो एरियल व्यू और अच्छा है, और अच्छे से अच्छा लगता जा रहा है। टोटल ना यहाँ पर आने के लिए 100 से 125 सीढ़ियाँ हैं, आसानी से ऊपर आ गए। सीधा रसोई। अब ये सीता मैया हैं, वनवास काल का दर्शन है सीता माता का। यहाँ पे मैया ने वनवास के समय में आई थी, जब तो 5 ऋषियों को कंदमूल फल खिलाया था। अत्रि अगस्त सुदीक्षण सर्वभंग वाल्मीकि, ये 5 ऋषि हैं जिनके 84 कोस में आश्रम चित्रकूट पे, उन्हीं को सीता मैया ने यहाँ कंदमूल फल पका के खिलाया था। ये राम लक्ष्मण बीच में सीता मैया, वनवास काल का दर्शन ही है यहाँ का। सीता रसोई में ही जहाँ हमने अभी सीता माता के दर्शन करे हैं, वहीं पर साइड में चकला बेलन का चिन्ह है। इस जगह को चिन्हित गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब वो यहाँ पर रहते थे, ध्यान करते थे भगवान श्री राम का, उस समय उन्होंने इस स्थान को चिन्हित किया। और ऐसा यहाँ पंडित जी का कहना है कि इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसको चिन्हित किया तब लोगों को मालूम चला। सीता मैया का चूल्हा, यहाँ पर जो है सीता मैया ने रसोई पकाई थी, यहाँ बनाया और अंदर खिलाया, कंदमूल फल की रसोई बनाकर खिलाया था इस जगह। यहाँ पर उसी का महत्व है। ये उर्सा बेलन चढ़ाए जाते हैं, मान्यता के हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं होते वो लोग यहाँ दे जाते हैं जी। धन्यवाद, जय श्री राम। लंच के लिए हम जयपुरिया स्मृति भवन पहुंच चुके हैं। जयपुरिया भवन में हमारी मुलाकात विशाल जी से हुई है, आप यहाँ के मैनेजर हैं। लंच के टाइमिंग्स क्या होते हैं? सर, 12 बजे से 2:30 बजे तक लंच है और रात में 8 से 10 बजे डिनर। सुबह में नाश्ता भी होता है? जी सर, 7 से 11। मैं वृंदावन में है ना, जयपुरिया भवन स्मृति भवन, वहाँ पर गया हूँ, तो मेरे को तब से माइंड में था कि जहाँ पर आप लोग का ये होगा ना, क्योंकि मेरे को वहाँ का भोजन बहुत पसंद आया था। तो एक थाली का क्या प्राइस है? सर 170। वृंदावन में भी 180 है। हाँ ऐसा कुछ है, ग्रेट है। यहाँ पर रहने की भी सुविधा है? हाँ जी सर। तो हम क्या करते हैं, लंच करने के बाद वो रहने की सुविधा देख लेते हैं। हाँ ठीक है सर, राइट है, हम चलते हैं। थैंक यू, वेलकम। यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से आप नीचे बैठ के ना, नीचे बैठ जाते हैं और फिर आपको भोजन परोसते हैं। क्योंकि मेरा 8 महीने पहले नी सर्जरी हुई है,
तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को थोड़ा सा आप कहीं टेबल चेयर अगर करा सकें, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ पर बैठ जाइए बाहर, तो मैं इधर ही बैठ रहा हूँ। चल आओ। कल जब हम चित्रकूट पहुँचे थे ना, तो मैं यूपी टूरिज़्म के ऑफिस गया था, वहाँ हमारी मुलाकात अनुपम जी से हुई थी। तो आप चित्रकूट डिवीज़न देखते हैं? मैं चित्रकूट डिवीज़न देखता हूँ, मैं रीजनल टूरिज़्म ऑफिसर। तो मैंने इनसे बात करी कि अगर आप फ्री हैं तो लंच के लिए थोड़ी देर ज्वाइन कर लीजिए, तो इनका ऑफिस पास ही है, तो अब साथ में लंच कर रहे हैं। ओ धन्यवाद, थैंक यू। लंच में क्या क्या दिया है ये बताए? खीरे की सब्ज़ी है एक बार के लिए, मुझको लगा था लौकी है, दाल, ये क्या है, आलू मटर, बूंदी रायता, चटनी, और यहाँ पर आलू पालक। इधर आलू पालक का काफ़ी चलन है। आलू पालक बहुत पसंद किया जाता है, सीजन में भी और बिना सीजन के। कल मैंने डिनर में भी आलू पालक खाई है, तो मैं उससे सोच रहा था कि ये कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पर। चलता है ना। विदाउट लहसुन प्याज का है और आपको टेस्टी भी लग रहा होगा, पता नहीं चल। बेहतरीन बेहतरीन। स्वागत। मेरे को तो ना ये आलू पालक का स्वाद इतना बढ़िया लग रहा है, क्या बोले। ये जो ये सब्जियां हैं, सिर्फ आप चूल्हे पे केवल रोटी बनाते हो कि सब्जियों को? नहीं, टोटल चूल्हे से बनता है। अच्छा, टोटल कुछ भी गैस से नहीं बनता हमारे। अभी तो मैंने एक आइटम खाई, मजा आ गया। खाना सर लकड़ी का भोजन है अपने यहाँ, जो आज भी देहात में चले जाएंगे तो भी आज भी मतलब वहाँ बनता है, जो लकड़ी से ही बनता है, कोई कंडे से बनाता है, कोई लकड़ी से बनाता है, लेकिन वह स्वादिष्ट वही भोजन वही है आज। मजा आ गया, अति सुंदर। चित्रकूट में इस प्रकार का भोजन कहीं और मिलता है? नहीं, ऐसा भोजन और कहीं नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था खीरे की सब्जी बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। हाँ, अनकॉमन इसलिए क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल किया, किसी ने मुझे बोला नहीं कि खीरे की सब्जी खाओ, और यहाँ पर ये लोग के पास अवेलेबल है। कोई एक्स्ट्रा तीखापन नहीं है, कोई मसाले नहीं हैं, एकदम सिंपल सात्विक भोजन। छा गए। इन्होंने क्या किया, एक तो जीरा हैवी रख के दाल बना दी, और उसके ऊपर घी का तड़का लगा दिया, बेहतरीन, मज़ा आ गया। सब कुछ पसंद आ रहा है यहाँ पे, कोई नॉर्मली एक दो चीज़ हो तो आप बोलो। हाँ, सब कुछ टेस्टी है। हर किसी का रायता बनाने का तरीका अलग होता है, तो मुझे एक बार के लिए लगा था कि शायद इतना स्वाद नहीं आएगा मेरे को, लेकिन ट्रस्ट मी मज़ा आ गया, इतना मस्त स्वाद है इस रायते का। थोड़ा सा आप मेरे को दाल दे दीजिए। वेरी गुड। ये भी थोड़ा सा दे दो, खीरे की सब्जी। हाँ, ये आलू पालक, पालक बेहद स्वाद है, लवली। कुल मिला के यहाँ पर जो हमारा लंच एक्सपीरियंस है ना, बहुत आउटस्टैंडिंग है, मज़ा आ गया। तो अनुपम जी क्या करते हैं, फूड फिनिश करने के बाद ना आपके साथ 10 मिनट बैठ जाते हैं, और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे जो अभी हमारे पास हाथ में टाइम है, हम अपनी आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हैं। बाकी लंच एट जयपुरिया रॉक्स। लंच करके अभी हम सीधे यहाँ से गुप्त गोदावरी जा रहे हैं। 19 किलोमीटर का ये सफ़र है, लगभग 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। वहाँ से हम सती अनुसुईया आश्रम जाएंगे 13 किलोमीटर्स। उसके बाद वापस लौटकर हमको रामघाट आरती देखने के लिए आना है, जो लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। अब मैं कैलकुलेशन ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे 4:25 का टाइम है, और अगर हमें 6:30 रामघाट पहुँचना है तो कैसे होगा। चलो खैर, एनीवेज एक बार गुप्त गोदावरी पहुँच कर डिसाइड करते हैं कि आगे टाइम इन हैंड कितना है। चित्रकूट रामघाट से गुप्त गोदावरी का जो रोड है ना, काफी अच्छी रोड है। तो
आराम से, बहुत स्मूथली आगे, ट्रैफिक भी बहुत कम था। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, गाड़ी भी खड़ी कर दी है, ऐसा कोई प्रॉपर पार्किंग जैसी नहीं बनी हुई, लेकिन रोड पे लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं है इस समय ऐसा देख के लग रहा है। चलो थोड़ा सा पैदल चलेंगे और चलकर हम गुप्त गोदावरी विजिट करेंगे। टेम्पल के अंदर जाने से पहले ना हमारी मुलाकात प्रभाकर भाई से हुई है। आप इधर ही के रहने वाले हैं ना? जी सर, मैं रहने वाला हूँ। तो आप हमें मदद करेंगे गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए। वैसे हम खुद भी जा सकते थे, लेकिन क्या इनके साथ होने से हमें इजी हो जाएगा, थोड़ा कथा भी बीच में रास्ते में बताते चल रही है। चलिएगा, हम सीधा गुफा में एंटर करेंगे। जी सर, दो अंधेरी गुफाएं, वहाँ अंदर जाना है। 100-100 मीटर लंबी दोनों गुफाएं हैं। एक गुफा में पानी है और एक गुफा सूखी है। अभी सूखी है जी? नहीं, वो 12 महीने वो सूखी रहती है और बरसात में पानी आ जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ का पानी आ जाता है, बाकी दिन वो सूखी रहती है। सर आइए चलते हैं अंदर। जी सर, हमें ना काफ़ी लोगों ने बोला था कि जब आप चित्रकूट जाएंगे ना, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे अद्भुत स्थल हैं जिनकी कथाएं अपने आप में ऐसी हैं कि जिसके बारे में आधुनिक साइंस विश्वास नहीं करेगी। नहीं करेगा बिल्कुल सर, बहुत ऐसी बहुत उन सब लोगों में हमें बोला था कि गुप्त गोदावरी तो आप गलती से मिस मत करना। ये जो जल धारा आ रही है सर, यही जल धारा बाहर जाती है, इस कुंड के बाद आगे कुंड है, वहां से कुछ दूर नीचे जाती है, इसके बाद वो गुप्त हो जाती है। तो आप इस जलधारा की बात कर रहे हो? जी सर, मैं इस जलधारा की बात कर रहा हूँ। ये गुफा के अंदर से निकलता है और ये सामने कुंड बना है, इसके आगे एक कुंड स्नान करने के लिए बना है, वहाँ के बाद वो बाहर जाता है और गुप्त हो जाता है जल। ये जाने के लिए छोटी सी जगह है, यहाँ से एंट्री करेंगे, सामने देखिएगा सर, छोटी सी जगह और अंदर बहुत जगह है, सभी लोग जा रहे हैं, वन वे मार्ग है। देख के लग भी रहा है कि रास्ता तंग है। जी जी सर, आगे चल के खुल जाएगा, आगे जाके बहुत जगह है सर। ये सर देखते चले कितनी छोटी सी जगह है और पत्थर बहुत चिकना पत्थर है सर। इसकी बात कर रहे हो? जी सर, ये पत्थर की सिलाएं देखिए सर, जैसे ऐसे रखी हुई है, जैसे किसी ने चिपका दिया हो किसी चीज से, ये देखिए ना सर। अच्छा, एक शिला के ऊपर दूसरी शिला रखी हुई है सर। और आगे तो आप जैसे अंदर चलेंगे तो बहुत सी शिलाएं ऐसी मिलेंगी सर आपको। जैसे हम अंदर आए हैं थोड़ा सा तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ऑक्सीजन तंग है यहाँ पे। ऑक्सीजन की कमी है सर यहाँ, और हार्ट दमा श्वास वाले मरीजों को अंदर आने नहीं दिया जाता है। बस ये देखिए, बड़ा गजब का स्ट्रक्चर है, मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसी ने रखा है शिला को, शिला के ऊपर शिला। ये पूरी नेचुरल चीजें हैं सर यहाँ की, बहुत ही डिफरेंट किस्म का हम ये के फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये सर चल रहे हैं अब हम राम दरबार की ओर, जहाँ भगवान राम का दरबार लगता था। सर अभी हम आए हैं राम दरबार, यहाँ जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो यहाँ बताते हैं भगवान राम का दरबार लगता था। 14 वर्ष के लिए जब वनवास हुआ तो 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे, कुछ समय इस जगह पे बिताए थे। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये राम दरबार है, यहाँ भगवान श्री राम का दरबार लगा। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। ये गुफाएं जो गुम्बज आकार आप लोग देख रहे हैं सब देव निर्मित हैं, यही इसकी महत्ता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय पंडित जी, धन्यवाद। आज हम कामतगिरी पर्वत में वहां जाके दर्शन करने गए थे, तो वहां पर हमें मालूम चला कि भगवान राम ने अपना काफी सारा समय वहां पर व्यतीत किया। ये जो अपना पूरा चित्रकूट है ये 84 कोस का है, तो इसका मतलब वहां वो रहते थे। पॉइंट कामतानाथ जी है और यहां पर वो दरबार करते थे। 4 महीने बरसात के समय में भगवान का यहाँ रहने के लिए पूरी व्यवस्था देवी देवताओं ने किया था कि भगवान यहाँ रहेंगे, बारिश के समय में कहाँ जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊपर पंडित जी बता रहे थे ना कि गुफा 4 पिलर पे टिकी हुई है, ऐसा कुछ कह रहे थे? जी जी, 6 पिलर पे टिकी हुई, 4 नहीं 6 पिलर। वो कहाँ है सर? एक ये आपके पीछे रहा। अच्छा जी, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, और उसके पीछे गुप्त गोदावरी जी। जो वो अलग केव है या इसी के अंदर है? इसी के अंदर है सर। अच्छा, आगे है सर। हाँ जी,
सर ये जलधारा सामने से आ रही है, ये दिखाई दे रही कि ये गुप्त गोदावरी यहाँ से आ रही है, इस कुंड में है, इस कुंड में आज सीता कुंड इसको बोलते हैं, यहाँ माता सीता जी ने स्नान किया था, यहीं से गुप्त होकर दूसरी गुफा में गई है पानी, जहाँ पानी पानी जाना है, दूसरी गुफा घुटने तक पानी है। अच्छा। ये उद्गम स्थान दिखाई दे रहा सर कि ये जलधारा आ रही है, इसके बाद जो मैं बाहर आपको दिखाया कि वो कुंड में जाती है, कुंड के बाद कुछ दूर आगे जाके वो गुप्त हो जाती, किसी नाले या नदी के रूप में नहीं बहती सर। ये जलधारा कहाँ से आ रही है? नहीं कोई इसके बारे में आपने बताया, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। तो वो जो गुफा है जिसमें अंदर पानी से होके जाना होता है वो कहाँ पर है? जहाँ खड़े हैं इसी के नीचे वो दूसरी गुफा बनी हुई है। जी सर जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे सर। हाँ जी, इस गुफा से बाहर निकलने से पहले हम सीता कुंड के पास ही ऊपर देखने आ गए हैं, पत्थर लटक रहा है। तो एक्चुअली लटक नहीं रहा, मुझे लग रहा फंसा हुआ है। था ये मयंक नाम का राक्षस था, ये यहाँ जो ऋषि मुनि रहते थे तपस्या करते थे उनको खा खा कर हड्डियों का ढेर लगाए थे, तो भगवान राम ने इसे श्राप दिया था। सीता जी उस कुंड पे स्नान कर रहे थे, वहाँ से वस्त्रों की चोरी करके भागा, लक्ष्मण जी गेट पे पहरे पे थे, उन्होंने शब्दों का बाण मारा और शब्दों का बाण मार के उसको उल्टा लटका दिया और श्राप दिया कि जा दुष्ट तू पत्थर का हो जा। जब ये पत्थर का होने लगा तो भगवान से विनय किया कि प्रभु मैं पत्थर को हो जाऊंगा पर मेरा भोजन क्या होगा? तब भगवान राम ने इसे वरदान दिया कि कलयुग में जो दर्शनार्थी मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे साथ में तुम्हारा भी दर्शन करेंगे, तुम उनके मानसिक पापों का भक्षण करना। हमारे अंदर जो मानसिक पाप होते हैं उस चीज को ये खाता है, और 25 से 30 साल पहले इसको हिलाते थे तो खटखट की आवाज आती थी, इसलिए इसको क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर भी कहते हैं। हिलाते कैसे थे? वो बड़े से बांस डंडा रखते थे उससे हिलाते थे इसको पहले। खटखटा चोर? जी, दोनों तरफ देखेंगे कान जैसे शरीर के दिखाई दे रहे हैं, पूरा कान जैसे है, फंसा हुआ पत्थर देख लीजिए। अब सर यहाँ से नीचे चलेंगे, बाहर चलेंगे दूसरी गुफा, जैसे जगह से अंदर आए थे उसी रास्ते से बाहर जाके फिर दूसरी गुफा चलेंगे जिसमें पानी पानी चलना है। हाँ जी जी सर। सर ये पंचमुखी शंकर भगवान पशुपत नाथ हैं, इनका प्राचीन दर्शन है, नेचुरल मूर्ति, इनका तीन ही जगह नेचुरल मूर्तियों का दर्शन मिलेगा, पहला काठमांडू नेपाल, दूसरा यहाँ और तीसरा मंदसौर एमपी में। इनके चारों पांचों रूप अलग अलग हैं, सामने देखेंगे गौरी भाव, जो माताएं बहनें बेंदी लगाती हैं मस्तक में, अर्धनागेश्वर इधर शंकर जी उधर पार्वती माता, दूसरा ध्यान अवस्था, दोनों नेत्र बंद किए हुए पूजा में विलोन है शांति भाव, तीसरा रुद्र रूप, जब दक्ष प्रजापति जी के यहाँ विकराल रूप धारण किए थे तीनों नेत्र खुली हुई, चौथा जटाजूट, भागीरथी गंगा जी को जब अपने जटाओं में धारण किया और ऊपर शिवलिंग। और ये भी नेचुरल है? नेचुरल है, भगवान राम और सीता वनवास समय में जोड़ी से पूजन किया था इनका। और पांचवा रूप ऊपर? ऊपर शिवलिंग है सर। ये वही जल जो ऊपर मैं बताया था सर आपको, वो ऊपर से आ रहा, यही जल आ रहा है सर। अच्छा। इसी में पानी पानी चलना, ये भी उतनी ही लंबी है, उसमें बहुत जगह है, इसमें जगह नहीं है, इसमें सक्रिय है। ये गोदावरी नदी है? जी ये गोदावरी नदी है सर। या बरसात में सर पानी ज्यादा आ जाता है, बारिश में पानी ज्यादा होने के कारण इस गुफा का दर्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि विद्युत वायर लगी हुई है तो करंट होने के डर से इस गुफा का दर्शन बंद कर दिया जाता है, उस गुफा का दर्शन चालू रहता है सर। सर ये देखते चलेंगे जैसे आए ना, जगह है, अब जैसे जैसे अंदर चलेंगे वो कंजेस्टेड होती चली जाएगी सर। चले जैसे चल रहे हैं ना जी, तो नीचे थोड़े कहीं पे कंकड़ है, कहीं छोटे छोटे पत्थर है, बरसात में जो आते हैं सफाई करने के बाद भी बारिश होती रहती है तो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं। नेचुरल है। जी नेचुरल चीजें से। जैसे सर मैं पहले बताया था कि जे अंदर जाएंगे ये छोटी जगह हो गई, यहाँ से सिंगल मार्ग हो गया है, एक एक करके जाएंगे अंदर और टेढ़ा होके, जैसे डबल होना है तो टेढ़ा होके फिर वापस आना है, इसी से दो लोग हो जाएंगे यहाँ पे सर। जाने का रास्ता और वापस आने का यही रास्ता है सर। बाहर जगह, अंदर जैसे आए कंजेस्टेड हो गई। जी सर ये दोनों तरफ कुर्सियाँ, जैसे भगवान राम यहाँ बैठ के दरबार ये कुछ बातचीत किया करते, कुर्सियाँ जैसे चेयर लगी हुई है भगवान राम की, ये दोनों तरफ फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे ये। हाँ
जो ऊपर सीता कुंड देख लिए हैं हम, धन सीता कुंड, ये राम कुंड है और वो लक्ष्मण कुंड है, यहाँ भगवान राम का स्नान होता था। अंदर से जो प्रथम गुफा में हम देखे थे सर कि जल आ रहा है कुंड के बाद गुप्त होके फिर सर ये यहाँ आता है, इससे पानी वाली सेकंड गुफा हो गई है, ये जल यहाँ निकल रहा है। जो आपने सीता कुंड दिखाया जी, सीता कुंड के बाद जो गुप्त हो रहा है जल वो यहाँ दिखाई दे रहा है। सीता कुंड के जस्ट नीचे खड़े हुए हैं सर हम, ऊपर सीता कुंड है और नीचे हम खड़े हुए, ऊपर एक गुफा ऊपर देख के दूसरी गुफा सर ये है। पानी इसमें पूरा साल रहता है? हाँ पूरा साल रहता है सर, सिर्फ बरसात बरसात में बढ़ जाता है, बाकी दिन इतना ही रहता है सर। गुफा के अंदर जाके हम गुप्त गोदावरी के दर्शन करके अभी बाहर की ओर आ चुके हैं। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसको लेके, जो ऑक्सीजन का हल्की सी प्रॉब्लम होती है वो पहली वाली गुफा में होती है जहाँ पानी नहीं है। जहाँ पानी है हालांकि वो सक्रिय है, रास्ता तंग है, क्राउड भी वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन का दिक्कत मुझे महसूस नहीं। प्रथम गुफा में सर ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रहा है और इसमें कम है सर। कुछ कारण है इसके पीछे? नहीं सर ये कारण जानकारी नहीं है। और दूसरी बात है कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम इतनी नहीं है कि कोई ना आए, आप आराम से आ सकते हैं। हाँ किसी को अस्थमा जैसा कुछ प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो उनको तो अवॉइड करना चाहिए। जैसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो फिर ऐसे लोगों को अंदर प्रवेश निषेध हो जाता है, बाकी जैसे अभी सीजन खाली है, भीड़ भाड़ नहीं है तो आराम से जाइए, आराम से दर्शन। नगर परिषद के MP गवर्नमेंट के कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे किसी को भी दिक्कत होती है वो तत्काल वहाँ से बाहर निकाल के लाते हैं। तो कथा जो इससे जुड़ी हुई है वो एक बार आप बता जी। बिल्कुल बता दें, ये गोदावरी नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में पड़ती है। गोदावरी के पिता गौतम ऋषि है, ये उनकी पुत्री है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम चित्रकूट में विचरण कर रहे थे, 11.5 वर्ष चित्रकूट में बिताए। तो गोदावरी को जब जानकारी लगी कि चित्रकूट में भगवान राम है तो अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिता मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहती हूँ। तो पिता बोले कि नहीं बेटी तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भगवान राम को यही नासिक पंचवटी बुलाऊंगा। अच्छा, उन्होंने ऐसे कहा जी? उन्होंने पिता ने बोला पिता ही है, बेटी को तो ऐसे जाने नहीं देंगे, उन्होंने कहा मैं यही बुला लूंगा। तो अपने पिता की आज्ञा न मानते हुए इस पर ये पर्वत यहाँ से नासिक तक सब बराबर फैला हुआ है, ये पर्वत देख लीजिए। अच्छा। इस पर्वत को विंध्याचल पर्वत बोलते हैं। तो अपने पिता की आज्ञा न मानकर चोरी चोरी इस पर्वत को तोड़ते हुए सीता कुंड जहाँ से देख के आए, वहाँ उद्गम हुआ जल, वो जल धारा सामने से आ रही है, वहाँ के बाद उस कुंड में आता है, कुंड से गुप्त होकर जहाँ पानी से गए वहाँ जाता है, वहाँ भगवान राम के चरण धुलाए। तो भगवान राम बोले कि बेटी मांग लो, क्या मांगने आए, मांगना चाहती हो? तो गोदावरी बोली कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर आई थी और मैं धन हुई, आपका दर्शन हो गया। तो प्रभु बोले नहीं बेटी कुछ मांग ले, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो गोदावरी बोली कि नहीं प्रभु मैं कुछ मांगना नहीं आई, देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि जिस तरह मैं गुप्त रूप से आई उसी तरह मैं गुप्त रूप से चली जाऊँ, मेरा कोई भेद ना खुले। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा उनका भंग करना काम नहीं, मर्यादा बनाना उनका काम था। तो यही प्रकट हुई है, यही गुप्त हो गई है, वही जलधारा दूसरी गुफा से सर ये जल निकल रहा है, ये जल बाहर कुंड में जाता है, एक कुंड आगे स्नान के लिए बना, उसके बाद 10 कदम आगे जाके वो पुनः गुप्त हो जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी पड़ गया। अब ये भी देखो सोचने वाली बात है कि गोदावरी नदी एक्चुअली में त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट होती है और ये आंध्र प्रदेश जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो अब पहले कोई नॉर्मल अगर सोचे कि यहाँ पर गोदावरी तो कोई लॉजिक नहीं है, नहीं नहीं कोई, क्योंकि ये कोई रास्ता नहीं है गोदावरी का, कोई रास्ता नहीं। लेकिन आपने बताया इसके पीछे की कथा क्या है, और कोई पर्टिकुलर दिन है जब केव बंद होता है या कभी भी आ सकते हैं? कभी भी आ सकते हैं सर। टाइमिंग्स के बारे में बताइए। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक, सुबह 6 से रात को 8 बजे तक। अच्छा, एक तरह से लॉन्ग डे है। तो एक चीज बताइए, जैसे अभी हम आए तो काफी रश था, ये सुबह के समय भीड़ रहती है? अभी ये जो गर्मी का सीजन चल रहा है इसमें भीड़ नहीं होती है सर, भीड़ हो जाती है अमावस्या और नवरात्रि हो गई और पितरपक्ष हो जाते हैं या फिर दीपावली और कुंभ में, ऐसे उस पर्व में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है और सबसे ज़्यादा तो दीपावली और कुंभ में भीड़ हो जाती है। अगर कोई टूरिस्ट चाहता है कि थोड़ी कम भीड़ के समय जाएं तो सुबह 6-7 बजे तो कम होता है? हाँ, सुबह 6-7 बजे कम होती है सर। अगर दर्शन करना आपको आराम से दर्शन करना तो ये तो सुबह आइए या तो फिर शाम को आइए बंद होने के पहले, 7:30 सर। सही है, आपके होने से ना हमें बहुत हेल्प हो गई, बहुत अच्छे से आपने हमें दर्शन भी करवाए और सबसे मेन बात है हर चीज़ को बहुत बारीकी से हमें एक्सप्लेन भी कर दिया सर। यहाँ से वापस होके वहाँ से निकल जाते हैं सर। सही है, उधर से चलते हैं। हाँ ग्रीवा। अच्छा जी, हम चलते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर, दोबारा आइए। धन्यवाद।
आज दोपहर में मेरा प्लान था कि हम गुप्त गोदावरी विजिट करने के बाद सती अनुसुईया आश्रम जाएंगे, फिर हम रामघाट चले जाएंगे और इवनिंग में आरती देखेंगे। लेकिन अब हम थोड़े से ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो अब हम सीधे यहाँ से डायरेक्ट रामघाट जा रहे हैं, सती अनुसुईया आश्रम नहीं जा रहे। वैसे टूरिस्ट जब आते हैं तो वो इसी प्रकार से रूट बनाते हैं कि यहाँ से सती अनुसुईया आश्रम होते हुए रामघाट की ओर जाते हैं, बाकी कोई सुबह आ जाए तो फिर आगे एक प्रॉपर टूर प्लान बन जाता है। सामने बादल देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, शाम का समय है, अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 10-11 बजे ज़्यादा लोग आते हैं। हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है, चलिए अब हम यहाँ से रामघाट को चलते हैं। यहाँ से वहाँ पहुँचने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। गुप्त गोदावरी से चलकर हमने आधे घंटे का सफर तय किया और अब हम रामघाट के पास पहुंच गए हैं। जब हम सुबह आए थे ना तो गाड़ी हमारी वहां तक चली गई थी, मतलब थोड़ा 50 गज आगे, लेकिन अभी रास्ता बंद है। चलो आओ यहाँ से रामघाट पैदल चलते हैं। रामघाट आकर ना इन बोट्स की डेकोरेशन देखते ही बन रही है, कितना सही लग रहा है ना, सो ब्यूटीफुल। अच्छा सुबह भी वैसे अच्छा लग रहा था लेकिन इस समय की फील पहले से बेटर है, क्योंकि आरती का समय है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आए होते हैं ना चित्रकूट, मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि आरती के समय तो रामघाट आए ही आए। तो एक काम करते हैं, हम लोग नाव पे बैठ के आरती देखते हैं। वैसे जाने को तो पैदल भी जा सकते हैं लेकिन घाट किनारे जाएंगे तो थोड़ी हमको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, और वैसे भी यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि आप बोट पे बैठकर आरती देखिए, जैसे बनारस में होता है ना कुछ वैसा। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, जैसे देखिए वो बोट्स जा रही है ना, सब लोग आरती देखने जा रहे हैं। लवली, आइए। अभी बोट राइड हमारी स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पर बैठते मजा आ गया, वॉट अ फीलिंग, जबरदस्त। ये लोग कैसे करते हैं, 600 से 800 रुपए के बीच का चार्ज लेते हैं आपको, घंटा भर डेढ़ घंटा आरती दिखाकर फिर वापस लेकर आते हैं। मैं शाम का बता रहा हूँ, बाकी डे का चार्ज अलग हो सकता है। अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं तो लगभग 80-100 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये हमने बोट अपने लिए ही करवा ली है। वाह जी वाह। वैसे सीरियसली आरती के समय बोट राइड करना गजब एक्सपीरियंस है। अभी तो हमारी जर्नी शुरुआत हुई है और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर बैठकर, आप माहौल देखो ना कैसा है। और ये बार बार रह के मेरे मन में आ रहा है कि बोट को इन्होंने कितने खूबसूरत ढंग से सजाया हुआ है। ये देखो पीछे कुछ टूरिस्ट हो रहे हैं, वाह जबरदस्त। और वो उधर तो देखो बोट्स ही बोट्स है, गदर। सामने ना लेज़र शो चल रहा है, ये यूपी टूरिज्म लेज़र शो ऑर्गेनाइज करती है जिसको आरती के बाद ये लोग शुरू करते हैं, और हनुमान चालीसा बैकग्राउंड में चल रही है। तो यहाँ से वॉक करते चल के चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं। सरयू के पवित्र तट को सरयू नदी में
अयोध्या राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाया। कई वर्ष पूर्व मैं श्री राम की खोज में भटक रहा, प्रतिदिन गंगा तट वृक्ष को जल समर्पित था। स्वयं हनुमान जी है, मैंने उस वृद्ध के पैर तो छोड़े जब तक उन्हें हनुमान का रूप धारण नहीं किया। चरित मानस का लेखन मैंने प्रारंभ किया। शिव को, ब्रह्मा को मेरा नमन है। वाल्मीकि जिन्होंने इस दिव्य गाथा को पृथ्वी पर उतारा, उनको मेरा शत शत नमन। आरती के बाद हमने लेजर शो देखा। लेजर शो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं देख रहा था कुछ लोग तो घाट किनारे खड़े हुए शो देख रहे थे और कुछ लोग बोट पे बैठकर भी लेजर शो एंजॉय कर रहे थे। भगवान श्री राम की कथा की समरी लेजर शो के माध्यम से दिखा रहे थे। नीचे फाउंटेन चल रहे थे, उसके ऊपर वो शो चल रहा था। अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि हम सोचा कि घाट किनारे चलते हैं। चलते चलते हम थोड़ा आगे आए और हमारी मुलाकात पंडित जी से हुई है, जय सिया राम। तो इनसे मैं पिछले 15-20 मिनट से बात कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप हमें गोस्वामी तुलसीदास जी जिन दिनों यहाँ पर भगवान का भजन किया करते थे उसके बारे में बताइए। उनकी चौपाई भी है, हनुमान जी ने तोते का रूप लिया, उसके बारे में बताइए। तुलसीदास जी आए भजन करने लगे, उनको राम जी को दर्शन करना था। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, हनुमान जी तोता का रूप धर के आए कि राम जी आएंगे, आपका चंदन लगाएंगे। तो राम जी आए भाई के सहित, नहीं पहचान पाए तुलसीदास जी। फिर हनुमान जी ने तोता रूप आ गए, राम जी चंदन लगा गए, आप पहचान नहीं पाए। फिर दोबारा राम जी के हनुमान जी की कृपा से दोबारा दर्शन हुए, तब राम जी ने विधिवत तिलक लगाया और पूजन किया, तब से वो चौपाई बन गई। चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के साथ तिलक देत रघुवीर। तब से ऋषि मुनि संत सब राम घाट में स्नान करने आते हैं और वहीं तुलसीदास जी का दर्शन करते हैं। अति सुंदर, ये बहुत फेमस चौपाई है। जी जी, है ना जी। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले डिस्कस किया कि आज हमने सुबह से लेकर शाम तक कहाँ कहाँ जगहें विजिट करी हैं, क्योंकि आप तो यहीं के हैं, तो अगर हमारे पास एक या दो दिन का और समय होता, एक दिन की जगह तीन दिन होते, तो कहाँ कहाँ हम जा सकते थे? जैसे कि आप सती अनुसुईया है, राम दर्शन है, देवांगना है, कोट तीर्थ है, भरतकूप है, ऐसे कई जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। राम दर्शन, मानस दर्शन है, बहुत दिव्य दिव्य जगह हैं। गणेश बाग भी है ना? जी, गणेश बाग है, ये हनुमान धारा के बगल से सुतिक्षण आश्रम, ऐसे दो चार आश्रम जंगल के बीच में है। अच्छा, आप कुछ देर पहले स्फटिक शिला का भी? जी, स्फटिक शिला। स्फटिक शिला क्या है एग्जैक्टली? स्फटिक शिला में राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया था। जी, वहाँ पर पुष्पों से स्फटिक शिला में बैठ के श्रृंगार किया था। निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर बैठे। फटिक शिला अति सुंदर, फटिक शिला इतनी सुंदर थी, वहाँ बैठ के राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, कल हम कालिंजर जाने वाले हैं जी। तो हम भरतकूप से होते हुए कालिंजर जा सकते हैं, सही है ना? और एक चीज और बताइए, तो यात्री किस समय तक आते रहते हैं, बोट चलती रहती है? वो तो दिन भर चलते हैं। नहीं, रात में 10-10:30 तक? हाँ। अच्छा, और सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? सुबह वही 6-7 बजे से। 6-7 बजे, अति सुंदर। तो जैसे अब मई में गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो यात्री कम हो जाएंगे? हाँ, वो तो वैसे यात्री यहाँ हमेशा आते हैं, 12 महीने बराबर परमानेंट। और सर, ये जो मंदाकिनी नदी है जी, इसकी भी कुछ कथा है ना? ये अनसुईया जी के तप से निकले हैं। अच्छा। जब अनसुईया जी के पति अत्रि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे थे चित्रकूट के जंगलों में, तपस्या करते करते कई वर्षों बाद जब उन्हें प्यास लगी, उन्होंने अनसुईया जी से कहा कि मुझे जल चाहिए। अब अनसुईया जी अगर प्रयाग जाते तो वहाँ समय लग जाता, तो उनका इतना तपोबल था, पतिव्रत इतना मतलब वो था, महान था, तो उन्होंने वहीं पर तिनका लगाया और गंगा जी कहा कि मेरा मैं अकल सती हूँ, यहीं गंगा जी आ जाएं। तो वहीं से अनसुईया जी से तपोबल से मंदाकिनी गंगा जी प्रकट हो गए, तब से आज भी मंदाकिनी गंगा जी ही हैं। मंदाकिनी गंगा जी 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 गंगा जी हैं। चलो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारा कल कालिंजर जाने का प्लान है, तो जो हम हमारी कल की जर्नी होगी वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, जय श्री राम।